और सामने उत्तर प्रदेश की घटना है, जहां लगभग 300 के आसपास दलित परिवार के लोग रहते हैं। यहां पिकनी देवी की महिला रहती है जो अत्यंत गरीब है। इसका एक लड़का है जो विकलांग भी है। इनके घर की स्थिति बहुत खराब है, बारिश में इनका घर बुरी तरह गिरा हुआ है। इनके अलावा भी यहाँ श्रीराम, पतिया, श्यामकली और फूलमती जैसी महिलाएं हैं। यदि इनको इंदिरा आवास का लाभ मिल पाता तो शायद इनका जीवन कुछ सुधर पाता। मैं भी कहीं ना कहीं ऐसी ही समस्याओं से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मुझे भी इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो दादी आपका क्या नाम है? कितनी देवी। अरे हमारी समस्या कि हमारे घर कुरिया गिर गया है। अच्छा पर तो हम रही थी और ना हमका कॉलोनी मिली है कि हाँ वही में हम रही, वही में बसर करी। और हमारा लड़का है तो वह है विकलांग, वह नहीं कर खा सकता है। अब हम कम धंधा करी कि हम अपने एक लड़का पाली, एक नाती है हमारे। ना खेती है, ना बारी है, घर है, वो सब गिरा पड़ा है। ना हमारे धरने का, ना उठाने का। हमारे आदमी की पाली से गिर गई, वो आँख से ढरका बहता, काम कुछ नहीं कर पाया, वो परेशान रही थी। मजदूरी मेहनत करके खाई थी, अधिया पराई के लेके खाई थी, और क्या है। अब शादी ब्याह है करा, अगर उसी में पैसा हमारे चला गया तो घर द्वार बनाई कि पेट खाई कि बच्चे पाली, यही समस्या है, और क्या बताएं आप। मैं ये चाहता हूँ कि बारह हवेली खालसा की अड़ार, जहाँ दलित परिवार के लोग रहते हैं, यहाँ पिकनी देवी जैसी और भी कई महिलाएं हैं। यदि इनको इंदिरा आवास का लाभ मिल पाता तो शायद इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुधार आ पाता। यह लाभ वीडियो द्वारा दिलाया जा सकता है। वीडियो का नाम जवाहरलाल सरोज, इनका नंबर है 9918775000 है। आप लोग चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर दबाव बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। मैं महेश कुमार, बारह हवेली खालसा की अड़ार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।